दोस्तों आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन तीनों ही कार्डों में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा कार्ड खरीदना चाहिए? इसके साथ अगर आप कोई नया कार्ड परचेज करने वाले हैं तो आपको इन तीनों ही कार्डों में से कौन सा कार्ड लेना चाहिए, साथ ही आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा कार्ड आपके लिए परफेक्ट होगा, आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों ही कार्डों में क्या डिफरेंस है और साथ ही आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स। वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जितने भी लोग ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसमें से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? दोस्तों डेबिट कार्ड हम जब भी किसी बैंक अकाउंट में कोई भी अपना नया अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें डायरेक्ट ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है और इस डेबिट कार्ड की मदद से हम कहीं भी कैसे भी डेबिट कार्ड की मदद से अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं जो कि हमारे बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। इसके साथ डेबिट कार्ड की मदद से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही पेट्रोल पंप है या फिर हमारे आसपास के मॉल है तो यहाँ भी अगर हमें पेमेंट करनी है तो डेबिट कार्ड की मदद से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट होने पर वो सारा का सारा पैसा हमारे अकाउंट से माइनस हो जाएगा और डेबिट कार्ड की मदद से हम उस पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों डेबिट कार्ड को हम कहीं भी कभी भी और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है। केवल शर्त इतनी होनी है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए और उन पैसों को आप अपनी डेबिट कार्ड की मदद से कहीं भी कैसे भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों बैंक में हम जब भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी के साथ बैंक हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है, लेकिन बैंक इसे डायरेक्ट अपने नाम से हमें प्रोवाइड नहीं कराता है। दोस्तों ये प्रोवाइड कराता है हमें DCSP के थ्रू, यानी जो कि डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके थ्रू हमें ये कार्ड प्रोवाइड कराता है। इसमें आता है जैसे वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड और रुपे डेबिट कार्ड और साथ ही मेस्ट्रो कार्ड। इन चार कंपनियों में से हमें किसी ना किसी थ्रू के साथ टाई अप करा होता है बैंक ने और बैंक इनकी मदद से हमें कोई भी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है और इन्हीं के थ्रू हम कोई भी ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट करते हैं। दोस्तों ये तो बात रही कि डेबिट कार्ड क्या होता है, साथ ही टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड क्या होते हैं, लेकिन दोस्तों एक टर्म और निकल के आता है कि कैसे कोई भी ट्रांजेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास SBI का डेबिट कार्ड है लेकिन मैं किसी भी बैंक के ATM में जाके पैसे निकाल सकता हूँ, साथ ही कहीं भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकता हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये सब कैसे कंप्लीट होता है, SBI को कैसे पता चलता है कि मैंने कहाँ से कितना और कैसे ट्रांजेक्शन किया है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं अपने इस चैनल पर कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख लेंगे। तो वीडियो को आगे को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप बात आती है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। दोस्तों जैसे कि डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का हमारे बैंक से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है हमें जो अलॉट कराते हैं वो कराते हैं फाइनेंस कंपनी या फिर कोई भी बैंक। दोस्तों जैसे बैंक हमें लोन देता है तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड भी उसी थीम पर काम करता है। जितना पैसा हमें बैंक देता है प्लस उसका कुछ परसेंटेज ब्याज वो हमसे वापस लेता है, तो इस थीम पर क्रेडिट कार्ड काम करता है। जितना पैसा हम उस क्रेडिट कार्ड से खत्म करेंगे प्लस उसका कुछ परसेंटेज ब्याज हमें बैंक को वापस करना होता है। इसके साथ क्रेडिट कार्ड की मदद से हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और कहीं भी अपना कार्ड स्वाइप करना हो तो उसकी मदद से भी हम कहीं भी अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की मदद से हम किसी भी ATM से पैसे नहीं निकाल सकते, यानी डायरेक्ट हार्ड कैश हम क्रेडिट कार्ड की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि बैंक हमें जब लोन देता है तो लोन के क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं, लोन देने की लिमिट्स भी अलग अलग होती है, तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड में पैसे खर्च करने की भी लिमिट अलग अलग होती है। महीने के 10,000, 15,000, 20,000 यहाँ तक कि 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 तक की महीने की पैसे खर्च करने की क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। और इसी के साथ जब तक बैंक ने हमें लिमिट दे रखी है खर्च करने की 1 साल तक या 2 साल तक, जितनी उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो उसके बाद वो सारा का सारा पैसा बैंक हमसे वापस लेता है, साथ ही कुछ परसेंटेज ब्याज के साथ, जिससे कि बैंक को भी कुछ प्रॉफिट है और बैंक भी उसकी मदद से कुछ पैसे कमा लेता है। दोस्तों अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि डेबिट कार्ड का होता है कि हमें डायरेक्ट बैंक कार्ड प्रोवाइड नहीं कराती है, तो उसी तरह क्रेडिट कार्ड के लिए भी बैंक हमें डायरेक्ट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराती है या हमें क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर की मदद से कोई भी कार्ड प्रोवाइड कराती है, जैसे कि है अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्रिटिश एयरवे और वीज़ा, और उसी के साथ एक और कंपनी आती है जिसका नाम है कार्बन। इन कंपनियों की मदद से हमें कोई भी बैंक है या फाइनेंस कंपनी हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है और इन क्रेडिट कार्ड की मदद से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, साथ ही कोई भी ऑर्डर पेमेंट हो तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ATM हो तो वहाँ से हम पैसे नहीं निकाल सकते, यानी हार्ड कैश हम क्रेडिट कार्ड की मदद से नहीं कर सकते।
दोस्तों अब बात आती है हमारे लास्ट कार्ड की, जो कि है हमारा एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या है दोस्तों? एटीएम कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, बिल्कुल उसी तरह एटीएम कार्ड भी हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। हम केवल उतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जितना कि हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है, उतना ही पैसा हम एटीएम कार्ड की मदद से एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। दोस्तों एटीएम कार्ड की मदद से हम केवल एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड की मदद से हम एटीएम से तो पैसे निकाल ही सकते हैं लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही कोई भी मॉल या पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर कार्ड स्वाइप करके कोई भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड की मदद से केवल हम अपना हार्ड कैश निकाल सकते हैं, जो कि एटीएम की मदद से निकाल सकते हैं। इसी के साथ एटीएम कार्ड में हमें क्रेडिट कार्ड की जैसे सुविधाएं नहीं मिलती है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड में लोन लेते हैं, लेकिन एटीएम कार्ड में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती। केवल एटीएम कार्ड की मदद से हम अपने एटीएम से ट्रांजेक्शन करके पैसे निकाल सकते हैं और उन पैसों को खर्च कर सकते हैं, केवल उतने ही पैसे जितने कि हमारे बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा कार्ड लेना चाहिए। इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स से, जिससे भी वो भी समझ जाए कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही उनको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। इसके साथ आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वैके टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।